2024 को आईपीएल बहुत ही खास होती। चेन्नई ने छोड़ के कोई भी टीम को नहीं जबकि आईपीएल में आपकी टीम पूरी कर सकी है। सबकी सब टीमों में कोई न कोई कमी नजर आ रही है। सो पहले बात करूँ एमआई टीम के बारे में, तो मुंबई की टीम इस बार आपको कप्तान बदल की बहुत ही बड़ी गलती कर दी और एक बार फिर से मुंबई की टीम ने रोहित शर्मा ने कप्तान बनाना पड़ी। इसका पीछे को कारण यह है कि हार्दिक पांड्या जब वर्ल्ड कप में चोट ले हो तो अब तक हार्दिक पांड्या भी चोट से उभर की कुने है और जो रिपोर्ट्स आ रही सामने बाक अनुसार हार्दिक पांड्या आईपीएल तक भी ठीक कुने हो है। तो अगर हार्दिक पांड्या आईपीएल तक ठीक नहीं होगो तो मुंबई की टीम या तो रोहित शर्मा ने फिर से कप्तान देगी या फिर आपको नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बनाओगी। और मुंबई की टीम की एक मुसीबत यह भी है कि ईशान किशन भी आईपीएल तक ठीक कुने हो और संग ही इंडिया और साउथ अफ्रीका सीरीज में सूर्य कुमार यादव भी अब चोट लोगो। तो मुंबई की टीम के लिए इस सीजन में बहुत सी समस्या सामने खड़ी हो रही है। बिके अलावा अगर बात करें तो मुंबई टीम का बहुत सा दर्शक कम होगा। जब तक सबने खबर मिली है कि हार्दिक पांड्या टीम को नया कप्तान बना दिए हुए हैं तब से रोहित शर्मा का फैन मुंबई की टीम से नाराज है। तो 2024 को आईपीएल देखना पड़ेगा मुंबई की टीम के लिए कहीं को जागो। आगे अगर बात करूँ केकेआर की टीम के बारे में तो केकेआर की टीम आईपीएल 2024 में मिथिलेश टैगोर 24 करोड़ में खरीदे तो है लेकिन बिग को कर्सी के बाद तो सिर्फ बिनी बेर है। और अगर आईपीएल को ऑक्शन के बाद फिर से रिपीट की देखा तो बिग से यह लग रहा है कि केकेआर की टीम मिथिलेश टैगोर ने खरीदो को नहीं बल्कि गुजरात टीम जबरदस्ती मिथिलेश टैगोर ने केकेआर की टीम ने खरीदवा दिए। यानी गुजरात टीम मिथिलेश टैगोर की इतनी बड़ी बोल लगा की और अपना पैर पीछे कर लिया जिससे केकेआर की टीम ने मिथिलेश टैगोर ने खरीदने पड़े। और जब केकेआर मिथिलेश टैगोर ने खरीदे हो तो केकेआर की टीम खुद भी खुश कुनी गौतम गंभीर के चेहरा पर शिकन साफ दिखाई दे रही। अब अगर बात करूँ सीएस की टीम के बारे में तो सीएस की टीम 2024 का आईपीएल में सबकी फेवरेट टीम है। फेवरेट टीम का कारण ये है कि इस बार यो जो आईपीएल सीजन होगा यो एमएस धोनी को लास्ट सीजन है और सीएस की टीम इस बार आईपीएल में बहुत ही दो बड़े खिलाड़ी खरीदे एक डेरिल मिचेल और एक है रचिन रविंदर। अगर बात करूँ आरसीबी टीम के बारे में तो आरसीबी की जो टीम है उनकी बैटिंग लाइनअप तो बहुत ही मजबूत है लेकिन बॉलिंग के अंदर आरसीबी को कचरों भरे पड़े हैं। बॉलिंग में एक सिराज ने छोड़ी कोई भी इसको कोई मजबूत बॉलर को नहीं जो कि आरसीबी की टीम ने मजबूत दे है। तो बाकी जो टीम बच गई बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो चोखा लगी हो तो ये वीडियो दोस्तों तक शेयर जरूर करियो।